आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैल पुत्री की उपासना की जाती है। शैल का अर्थ पर्वत होता है और माँ का ये स्वरूप हिमालय की पुत्री का है, इसलिए देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। ये माता सती का ही रूप है। ऐसा माना जाता है कि प्रजापति दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। शिव और अपनी पुत्री सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन शिव ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। बिना निमंत्रण कहीं जाना अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी सती जिद कर शिव से आज्ञा लेके यज्ञ में गई। वहां पहुंचने पर सभी अतिथियों ने उनका बिना बुलाए आने पर अपमान किया। तब सती को एहसास हुआ कि उन्होंने शिव की बात ना मानकर भूल की है। सती उस अपमान को सह ना सकी और तुरंत यज्ञाग्नि में कूद कर यज्ञ को भंग कर दिया। शिव को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया और सती ने ही अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर लिया। वहां माँ का नाम शैलपुत्री रखा गया। इस स्वरूप में भी देवी ने शिव को ही अपना आराध्य माना। प्रथम दिन माँ की आराधना करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे रोग शोक आदि का नाश होता है। भगवती का ये रूप अपने भक्तों के मन पर राज करता है। इस दिन योगी का मन मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। स्थान पर देवी आद्य शक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती हैं। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में कैसे करना चाहिए पूजन। सबसे पहले स्नान आदि कर माता की चौकी पर जाएं, आसन लगाकर माता की प्रतिमा के समक्ष बैठें, सर्वप्रथम धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं, माँ को पुष्पों की माला चढ़ाएं, देवी की प्रतिमा को रोली का तिलक लगाएं, जिस देवी का व्रत हो उस देवी के नियमित 2 लौंग, पान, सुपारी, ध्वजा और नारियल चढ़ाएं। पूजन करने से पहले हाथ में चावल लेकर संकल्प करें, देवी की मंत्रों का उच्चारण करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, महिषासुरमर्दिनी स्त्रोत या दुर्गा स्तुति का पाठ करें। पाठ समाप्त होने पर आरती करें, देवी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम करें, भगवती के जयकारे लगाएं, जमीन पर थोड़ा जल डालकर उस जल का तिलक लगाएं। ऐसा ना करने पर पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना जल का तिलक करे पूजा स्थल से उठने पर उस पूजा का फल इंद्रदेव ले लेता है। नवरात्रि 2018 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 10 अक्टूबर यानी पहले नवरात्रि में कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:45, लेकिन सुबह 11:36 से लेकर दोपहर 12:24 तक भी आप पूजा वे कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अभिजीत मुहूर्त लगा रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।